बहुत आसानी से बनता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये देहाती स्टाइल, हम लोग देहात में हैं तो देहाती स्टाइल में बनाए हैं, बहुत ही मस्त बनता है। तो इसे एक बार बना के देखिएगा और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस चैनल में। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और कढ़ाई हमारा बढ़िया से गर्म हो गया तो उसमें हम तेल डाल दिए हैं। तेल सरसों का है, चिकन मटन सरसों का तेल में ही अच्छा बनता है। और ये देखिए तेल गर्म हो गया है बढ़िया से, तो इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं, जैसे बड़ी इलायची, दालचीनी है, लौंग है, और ये देखिए जीरा और लाल मिर्च है। इस सारे को हम बढ़िया से चटकने देंगे, उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। देखिए हमारा ये बढ़िया से चटक गया है और इसमें हम प्याज ऐड कर दिए हैं। अब इसे हम इस तरह से चलाते हुए इसे बढ़िया से हमें गोल्डन ब्राउन तक बढ़िया से पकाना है। गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो इसे हम ढक कर ऐसे ही चलाएंगे, ढकेंगे, इसी तरह से चलाते हुए हमें पकाना है बहुत ही बढ़िया से गोल्डन ब्राउन तक। और इसमें देखिए इस पोजिशन में हम इसमें 3 पोट लहसुन डाल दिए हैं, ये बहुत ही मस्त लगता है तो ये ज़रूर से डालिएगा। देखिए अब हम प्याज जब तक भून रहा है तब तक देखिए ये पंजा है, पंजा के हमें छिलका हटाना है। तो इस तरह से आग के धार लगाकर इसे झरका लेना है, उसके बाद बहुत ही ईजिली ये छिलका उतर जाता है। देखिए कितना बढ़िया से 4 पंजा है, चारों हम छिल लिए हैं। ये कटिंग करवा के लाए हैं कटर के यहाँ से, तो पैसा थोड़ा ज़्यादा लेता है लेकिन जो भी चाहिए वो दे देता है। देखिए ये करेजी है, 4 पीस है, पथरी है, 3 से 4 पीस है, सारे बढ़िया बढ़िया सा मीट चुड़वा कर लाए हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं और बढ़िया सा मीट हो जाता है। तो देखिए और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो देखिए हमारा ये प्याज बहुत बढ़िया सा ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो इसे हम प्याज को निकाल लेंगे और थोड़ी सा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी हम इसमें छोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें निकाल लेते हैं। एक बार ज़रूर मेरे बताए हुए तरीके से कीजिएगा। और चैनल पर आप नए हैं तो बेल आइकन के घंटी पर क्लिक ज़रूर से कीजिएगा, ताकि हमारे हर एक वीडियो आने वाला सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो देखिए हम जो भी बताते हैं, हमको ज़्यादा बोलने नहीं आता है बढ़ा चढ़ा के, जो भी बताते हैं, जो भी दिखाते हैं हकीकत रहता है। तो देखिए और हमारा वीडियो पे लाइक शेयर कीजिएगा ज़रूर से। अब देखिए हम सारा प्याज निकाल लिए हैं, थोड़ी सा इसमें रख दिए थे, रहने दिए थे। अब इसमें हम चिकन डाल दिए हैं, इसे बढ़िया से हमें भूनना है ताकि इसका जो भी सेंधापन है वो ख़त्म हो जाए। इसे बहुत बढ़िया से पहले फ्राई कर लीजिए, या कहिए फिर इसको सुनहरा होने तक बढ़िया से भून लीजिएगा। इसे जितना भूनिएगा उतना ही बढ़िया चिकन बनकर तैयार होगा। हम लोग तो ज़्यादा इसे भून कर ही रखते हैं, मसाला डालकर भूंजे छोड़ देते हैं, लेकिन कभी कभी चावल के साथ खाना होता है ना, तो इसमें हम ग्रेवी वाले बनाते हैं। तो देखिए हमारा चिकन बढ़िया से भून चुका है। इसमें हम डाल दिए हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट पूरे भर चम्मच। अब इसे थोड़ी सा मिला लेंगे, इससे हमारा लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाएगा और चिकन का भी संधा भी दूर हो जाएगा। अब ये मसाले हैं तो मसाले में ज़्यादा नहीं, बस लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, गरम मसाले हैं और धनिया पाउडर, इसे डालकर हम इसे भून लिए हैं। और अब हम डाल देंगे इसमें चिकन का मसाला है, तो ये डाल देंगे बढ़िया से डाल के, इसे भी हम इसी समय डाल के बढ़िया से भून लेंगे साथ में ही। अब इसमें हम 1.5 चम्मच के करीब नमक डाल देंगे, या तो फिर स्वाद के अनुसार। अब इसमें इसे भी चला लेंगे बढ़िया से। तो अब इसमें हम डालेंगे सारा मसाला हमारा बढ़िया से भून जाएगा, तो जो प्याज निकाले थे ना वो है, उसे हम पेस्ट बना लिए हैं और उसे भी इस समय डालकर हमें भूनना है। इसे भी जब तक भूनेंगे तब तक ही हमारा मसाला जो है तेल ना छोड़ दे। तो देखिए इस तरह से चलाते हुए और इसे ढक कर हम भून लेंगे। तो इसे हम बढ़िया से भून लेते हैं पहले, देखिए ढककर भूनें। तो देखिए हमारा मसाला तेल छोड़ दिया, देखिए साइड से तेल दिख रहा है,
तो हमारा ये चिकन बुनकर तैयार हो गया है। अब बढ़िया से सॉफ्ट भी हो गया। देखिए कोई कोई कांटा छोड़ रहा है, तो ये समझिए कि हमारा चिकन बनकर तैयार है। अगर चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, अगर ग्रेवी वाले बनाने का है तो उसमें पानी ऐड कर दें तो हम पानी ऐड कर लेते हैं। और इसे अपना मनपसंद ग्रेवी देने के लिए आप जितना चाहे पानी ऐड कर सकते हैं, गाढ़ी तो कम डालिए। और देखिए हम डाल लेंगे, अब इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। तो देखिए इसे पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गया है, तो हम गैस बंद कर दिए हैं। और देखिए हमारा फाइनल लुक कितना बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया सा खुशबू आ रहा है, हमें तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है कब खा लें, ऐसा लग रहा है। देखिए बहुत ही मस्त, बहुत ही बढ़िया से ये सॉफ्ट हो चुका है। तो देखिए और बताइए फ्रेंड्स कि हमारा ये चिकन का रेसिपी कैसा लगा है, आप कैसे बनाते हैं, मेरे बताया हुआ तरीका कैसा लगा, प्यारा सा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो का लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है बनाने में, तो आपके एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो देखिए और बनाइए, इंजॉय कीजिए। अब चलते हैं हम खाना निकालने, हमें भी देख कर अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, अब हम भी चलते हैं खाना खाने। तो पहले हम मैं अपने हस्बैंड को दे देते हैं, बैठे हुए हैं तो निकाल लिए हैं। देखिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए रेसिपी के साथ, तक लिए थैंक यू, टेक केयर।